हेलो फ्रेंड्स, रविदास ग्रेसन्स पे आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको आप किसी भी कार्डिगन जैकेट, जेंट स्वेटर किसी पर भी, बेबी स्वेटर किसी पर भी आप इसको डाल सकते हैं। ये 7 के मल्टीपल फंदे मैंने लिए हुए हैं। इसको आप ऐसे ही अपने पैटर्न पर लेंगे। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो सीधी साइड, फर्स्ट रो से ये डिज़ाइन स्टार्ट होता है। वह ये देखिए, फर्स्ट रो है सीधी साइड, ये फर्स्ट रो से ही आपका डिज़ाइन स्टार्ट होगा। सबसे पहले करना क्या है, ये देखिएगा, दो फंदे हम उल्टे लेंगे। ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ जैसे नीचे से मैंने स्टार्ट किया है। आप अपने पैटर्न पर जो भी आप स्वेटर बना रहे हो उस पर बॉर्डर बनाइए, और उसके बाद ये डिज़ाइन जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ वैसे ही आप अपने इसको प्रोजेक्ट पर बनाएंगे। सबसे पहले दो फंदे उल्टे लेंगे, एक दो, धागा पीछे करेंगे, पांच फंदे हम सीधे लेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे, पांच फंदे सीधे। इसी तरीके से पांच फंदे सीधे और दो उल्टे करके हम अपनी पूरी रो, फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। दो उल्टे, पांच सीधे, एक दो तीन चार पांच, दो उल्टे, एक दो, पांच सीधे, एक दो तीन चार पांच, और ये लास्ट में भी दो फंदे उल्टे। अब आते हैं अपनी सेकंड रो, सेकंड रो उल्टे साइड। जो फंदे उधर से उल्टे हैं वो इधर सीधे हो जाएंगे, और जो सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे। ये जो दो फंदे हमने उधर उल्टे बनाए हैं, ये फंदे हम इधर से सीधे बनाएंगे। दो फंदे सीधे और पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, दो सीधे, एक दो, पांच उल्टे। सेकंड रो है ये हमारी, दो सीधे, पांच उल्टे, दो सीधे, पांच उल्टे, और ये लास्ट में दो फंदे सीधे जो हमारे स्टार्टिंग में उल्टे हैं सीधी तरफ से। अब आते हैं अपनी थर्ड रो पर। थर्ड रो भी हमारी वैसे ही बनेगी जैसे फर्स्ट रो बनाई थी। ये देखिए, दो फंदे उल्टे और पांच फंदे सीधे, दो उल्टे, ऐसे ही ये पूरी रो हम अपनी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब आते हैं अपने फोर्थ रो पर। फोर्थ रो उल्टी साइड, दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे। ये भी हमारी सेकंड रो की तरह बनेगी जैसे हमारी सेकंड रो बनी थी, पांच उल्टे दो सीधे, पांच उल्टे दो सीधे। इसी तरह से बना करके हम ये रो भी अपनी कंप्लीट करते हैं। देखिए, आते हैं अपने फिफ्थ रो पर। फिफ्थ रो सीधी साइड, करना क्या है, सबसे पहले ये दो फंदे तो हम उल्टे ही बनाएंगे, एक दो। अब धागा ऐसे सिलाई पर से आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदे हम इकट्ठे उल्टे में इस तरह से बनाएंगे, तीनों फंदों को उल्टा इस तरह से तीन का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा फिर हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पर से फिर इस तरह से आगे आगे लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पर से लेंगे इस तरह से, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टे में ऐसे,
फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे लेंगे, फिर दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे लाएंगे आगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे हम इकट्ठे में, तीन का एक उल्टे में बनाएंगे ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे लाएंगे, फिर दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे लाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे आगे लाएंगे और दो फंदे ये लास्ट के हम उल्टे बना लेंगे। ये फिफ्थ रो में हमारा डिज़ाइन ऐसे आएगा। अब आते हैं अपने सिक्स्थ रो पर। सिक्स्थ रो उल्टी साइड, सिक्स्थ रो वैसे ही बनेगी हमारी, ये देखिएगा, जैसे हमने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ रो बनाए, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रो बनाई है। जैसे कि ये देखिए, दो फंदे ये सीधे और पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर पांच फंदे, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो। अब आते हैं अपने सेवंथ रो पर। सेवंथ रो सीधी साइड, सेवंथ रो फिर से हमारी, ये देखिए, फिफ्थ की तरह बनेगी। फिफ्थ रो की तरह ही हम अपनी सेवंथ रो बनाएंगे। दो फंदे ये हमारे उल्टे आएंगे स्टार्टिंग में, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे लाएंगे आगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, और ये इन तीनों का एक फंदा उल्टे में इस तरह से बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे लाएंगे, फिर दो फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पर से लाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टे में इस तरह से, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा ऐसे सिलाई पर से लाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से धागे को ऐसे लाएंगे सिलाई पर से, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और तीन का एक बना देंगे इस तरह से, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा ऐसे लाएंगे सिलाई पर से, फिर एक फंदा हम ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा ऐसे लाएंगे सिलाई पर से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा ऐसे लाएंगे सिलाई, एक फंदा उल्टा और इन तीन का एक फंदा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा ऐसे लाएंगे सिलाई पर से और लास्ट के ये दो फंदे इस तरह से बनाने हैं। अब आते हैं अपने एट्थ रो पर। एट्थ रो उल्टी साइड, दो फंदे सीधे और पांच फंदे उल्टे, दो तीन चार पाँच, दो सीधे, इसी तरीके से दो सीधे पांच उल्टे बना करके हम अपनी पूरी रो, ये एट्थ रो कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं अपनी नाइन्थ रो पर। नाइन्थ रो सीधी साइड, देखिए, दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे, फिर से धागा ऐसे सिलाई पर से लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन फंदों का एक फंदा करेंगे
ऐसे उल्टे में, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से धागा सिलाई पर से ऐसे लेंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पर से लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, आगे के तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे लेंगे, फिर दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा लेंगे सिलाई पर से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर तीन का एक बनाएंगे, तीन फंदों का एक फंदा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे लेंगे, और ये लास्ट के दो फंदे। उल्टी सिलाई फिर से हमारी उसी तरीके से आएगी, दो सीधे और पांच उल्टे। देखिए ये टेंथ रो है हमारी सीधी साइड, उल्टी साइड, दो सीधे, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो सीधे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से 10 सिलाइयाँ आपको अपने पैटर्न पर डालनी हैं और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपके पैटर्न पर आ जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।